अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का सीन कुछ इस तरह से है कि आज है ईद मिलादुन नबी, तो आज 12 रबी अव्वल है। तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सका, जुलूस के साथ जाना था, तो आपको भी जुलूस दिखाना था। तो रात सारी मैं एडिटिंग करता रहा 2 बजे तक, फिर वीडियो अपलोड की, तो करते करते काफी देर हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा सुबह उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो अभी भी घर वालों ने क्या कह के उठाया है, तो मिठाई मारनी है, मिठाई मारने के लिए। तो वो जो डब्बे मैं कल लेके आया था उनमें मिठाई वगैरह पैक हो गई है, तो अभी सारे रिश्तेदारों में और मोहल्लेदारों में मिठाई बांटे। तो भी आपको डब्बे वगैरह दिखाता हूँ कैसे हमने पैक किए। तो ये वो डब्बे हैं जो हमने पैक किए, इस तरह काफी अच्छा काम हो गया। वैसे आधे डब्बे बांटे गए हैं, तो कुछ रह गए हैं, तो मैं बांटने लगा। समुद्री की जो थी मिठाई वो हमने सारी बांट ली है। अभी मैं और मतलब भाई गाँव जाने लगे हैं मिठाई बांटने के लिए। तो ये थोड़े से हमारे घर का गाँव है, तो वहाँ पे मिठाई बांटनी है। तो ये अली मिल गया, तो ये रेहान मिल गया, ये हमजा बैठा हुआ है। तो ये तीनों 12 रबी अव्वल अभी मना के आ रहे हैं जुलूस के साथ, ये बैज वगैरह लगाए हुए हैं। अली ने आपका कहाँ है? घर रखे हैं इन्होंने, घर रखे हुए हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हो? बोतले ने ये चाचा जी ने लेके जा रहे हैं अभी बाहर सैक्रामेंट के लिए। चले ठीक है जाओ। गांव में हमने सारे घरों में मिठाई वगैरह बांट दी है। तो हम आए थे यहाँ पे तकरीबन 10-11 बजे के, 12 बजे तकरीबन यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे हमें अपने दोस्त वगैरह गांव के जो थे पुराने सारे दोस्त वो मिल गए, तो हम उनके पास बैठ गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी गपशप हो गई है, तो अभी हम गाँव से निकल गए हैं। जब भी गाँव आते तो ये खेत वगैरह देखे ना, तो बड़ा खूबसूरत मंजर है, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। तो ये हमारे गांव को रोड जाता है, तो ये भी काफ़ी काबिल रोड है, तो बड़ा मज़ा आता है गांव आने का और गांव से जाने का। तो बहुत से गांव जाता रहता हूँ, तो इतना मज़ा नहीं आता जितना अपने गांव में आने जाने का मज़ा आता है। तो आज हमारे घर चावल बने हुए हैं, तो मेरे फेवरेट चावल हैं। हफ्ते में तकरीबन मैं एक मरतबा कोशिश करता हूँ कि चावल बन जाए, खा दे चावल। चावल तो घर बने गए हैं, लेकिन मैं खाता थोड़े से हूँ। तो ये आपने देख लिया, प्लेट में ज्यादा नहीं पड़ता, थोड़े कम खाता हूँ, इतने भी फेवरेट नहीं है मेरे जितने मैंने बता दिया आपको। अभी चेक करते हैं, मैदा बन गए। दे तकरीबन हफ्ते में एक मरतबा हमारे घर में बनते ही बनते हैं, मैदा बनते हैं वगैरह खा लिया। तो अभी मतलब भाई का मैसेज आया था कि किसी काम जाना है, तो वो अली भाई की दुकान पे बैठे हुए हैं। तो अभी हम अली भाई की दुकान पे जा रहे हैं। चावल लगे? कोई नहीं लगा चावल लगे और मेरी दाढ़ी तो कितने चावल लगे ना, चावल एकदम गमजा नहीं करना। कोई नहीं चावल लगा, क्या पैर लगाया अली भाई तैयार होकर बैठे हैं जुलूस पे। क्या माशाल्लाह प्याज वगैरह लगाया बड़ा, किन्ने लिया 200? यहाँ से अभी जुलूस निकला है इस्लामी भाइयों का, तो ये हर साल निकलता होता है। आज हमारा जी प्रोग्राम है मुजम्मल भाई के दोस्त का गांव है 469 गांव पे, वहाँ पे काफी ज्यादा हर साल लाइटिंग होती है, तो हर सड़क जो है हर गली उसकी सजती है हर साल सोता था। तो आज इस साल मुजम्मल भाई ने कहा इस साल जाना है, तो मैंने कहा ठीक है इस साल इंशाल्लाह जाएंगे और आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे कि 469 गांव पे है तो वो कितना ज्यादा सजता है। तो मुजम्मल भाई का जो फ्रेंड है तो उसकी फरमाइश थी, बड़ी दिनों से मुजम्मल भाई बता रहे थे कि वो कह रहे थे बाइक लेके आना है, तो हमें जा नहीं हो तो आज जा रहे हैं। तो फिर मुजम्मल भाई कह रहे हैं कि वो कह रहा था बाइक लेके आना, तो फिर लाजमी भी लेके आना। तो आज फिर मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, तो बाइक थोड़ी सी गंदी हुई है, तो वो साफ कर लूँ और थोड़ा सा नहा पा लूँ, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। तो और एक काम ये था भाई ने, ये उनकी ये टूट गई हैंड फ्री, तो ये अभी मैं जोड़ने लगा हूँ, तो इसे भी जोड़ते हैं। तो मोबाइल की जो चार्जिंग है वो भी खत्म हुई है, और जो मेरी रिंग लाइट है उसकी भी चार्जिंग खत्म हुई, तो वो मैंने अभी चार्जिंग लगाई हुई है, तो अभी मोबाइल भी चार्जिंग लगाते हैं। तो गए अभी 6 बज चुके हैं और मगरब भी हो गया, अंधेरा भी हो गया, तो अभी हम जाने लगे हैं 469 गाबे, तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कैसी लाइटिंग हुई हुई है। तो मैंने भी नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो अभी हम जी 469 गांव में पहुंच चुके हैं, तो दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, इन भाई के पास हैं सकलैम भाई है। तो ये गांव जो है सजा हुआ आपको अभी दिखाएंगे, ये ऐसे सजा है ऐसे शहर समुद्री भी नहीं सजा हुआ, तो ये पूरे मेरा ख्याल समुद्री तहसील में ऐसी जगह नहीं सजी होगी, तो बहुत प्यारा एक एक गली सजी हुई है, एक एक गली सजी हुई। तो मैं देख के हैरान हो गया, मैं समझा मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया। तो अभी आपको भी दिखाते हैं, अभी भाई से बातें जाते करते हैं, पूरे विलेज दिखाएंगे हम आपको। इधर आओ, इधर रखे आइयो, ये हमारा फ्रेंड है, अब बाइक का देख ला, अब बाइक का देख ला, हैरान परेशान है बाइक के।
भाई ने अभी पानी शानी मंगवा लिया, तो यहाँ पे शोर काफी ज्यादा, रौनक काफी ज्यादा लगी हुई है। तो यहाँ पे ईद का समा, यहाँ पे जी बच्चों ने ये पहाड़ी बनाई हुई बड़े प्यार से, काफी प्यार से बनाई हुई है। इस तरह हम भी बचपन में बनाया करते थे, काफी अच्छी पहाड़ी बनाई है उन्होंने जी। अभी हम जाने लगे सजी हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो काफी ये कारपेट भी बिछाया हुआ उन्होंने, रेड कारपेट ऊपर से बहुत प्यारी गली सजाई हुई है, पे झंडिया वगैरह लगा के उन्होंने सजाई है। तो ये मुनफरद सजी हुई है, तो मल भाई अभी बुखारे की कल से कह रहे थे, मुझे डर लग रहा है। ये भी साथ है, यहाँ पे सामने आपको मस्जिद भी नजर आ रही होगी, तो काफी ये लाइटिंग वगैरह हुई है, तो आपको रौनक काफी ज्यादा नजर आ रही है। काफी ज्यादा अभी तो रौनक शुरू होनी है, तो हम जरा पहले आ गए थे ताकि हम ब्लॉग वगैरह बना सके। आपको मैं क्या बताऊं, हर गली एक से एक सजी हुई है। समुद्री में मैं सोच रहा था कि आपको क्या दिखाऊं, तो आज आपको 469 गांव पे, जो कि एक मॉडल गांव है, भी ज्यादा यहां पे लाइटिंग हुई है, हर घर सजा हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हाँ जी चाचू जी, की क्या हाल है जी बाइक का? ठीक है जी, तो गांव हम आए हुए हैं, तो गांव की गलियां इतनी ज्यादा सजी है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि कौन सी गली दिखाऊं कौन सी काट दूं। तो यहां पे काफी ज्यादा बच्चे वगैरह इकट्ठे हो गए, तो मोहम्मद भाई अभी भाई को झूला देने लगे हैं। अब एक और गली सजी हुई है, तो हर गली आपको मैं बता रहा हूँ, हर गली जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से सजी हुई है, तो काफी इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो गली है यहाँ पे काफी ज्यादा रश बना हुआ है, तो ये बच्चे हमारे पीछे लगे हैं। तो ये आपको मस्जिद नजर आ रही है, इसका मीनार आप देख रहे हैं, इतना प्यारा सजाया हुआ है, तो ये दूर से ही नजर आ जाता है बाहर रोड से। तो ये मीनार था जो कि काफी खूबसूरत मुझे लगा है, सजाया हुआ है। सकलैम भाई है, तो ये उनका मोहल्ला है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी वीडियो। तो ये उन्होंने पहले चौक जो है खुद डिजाइन किया सारा कुछ, तो खुद सारा सजाने की कोशिश की है अभी। अच्छा और मुनफरद सजाया हुआ है इन्होंने, तो ये पे यहाँ पे इन्होंने लाइटें लगाई हैं, फिर इन्होंने झंडियाँ लगाई हुई है, तो काफी मुनफरद सजाया हुआ। तो यहाँ पे घर वगैरह भी सजे हुए हैं, तो गाँव में बाइक लेके आए हैं, तो यहाँ पे बच्चे सारे जो इकट्ठे हो गए। चलो ठीक है, कैमरा तो हम अभी 69 काफे से वापस आ गए हैं, तो मैं अली और मुजम्मल साहब, आपको पता नहीं कैमरे पे नजर आ रहा कि नहीं हो रहा, अभी समुद्री देखने जा रहे हैं। तो सुना है कि काफी ज्यादा रश पड़ा हुआ है, वैसे पहाड़ियां वगैरह इतनी ज्यादा लगी नहीं है यहाँ पे जितनी 69 काफे में थी। घंटा होगा तो खड़ा हो गया, लगे हुए वीडियो बन रही है, आए हुए। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह तो इतनी खास कोई नहीं लगी हुई है, सजावट भी कोई नहीं हुई, लेकिन रश काफी ज्यादा है। तो पीछे काफी बड़े स्पीकर लगाए हुए हैं, तो कॉपीराइट आने का डर था, तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं किया। अभी आपको आवाज आ रही होगी, मेरे पीछे भी यहाँ पे रश पड़ा हुआ है, लेकिन पहाड़ियाँ वगैरह इतनी खास कोई नहीं है, तो आवाम काफी ज्यादा बाहर निकली हुई है। तो गए थे आज हादसा देखा अपनी आंखों के सामने, तो मैंने पहले बताया नहीं, ब्लॉग में बात ही नहीं की, तो अभी मुझे भी याद आ रहा था, मैंने कहा आपको भी बता दूं। तो ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले के बच्चे थे, तो वो बाइक स्पीड से पीछे से लेके आए, तो हमें क्रॉस किया है, तो सामने से बच्चे ने सड़क क्रॉस की है अचानक, तो वो उसे ब्रेक ही नहीं लगी, तो उन्होंने जाके बाइक स्किड भी हो गई, आगे बच्चा भी आ गया, तो बच्चे को साथ लेके वो आगे गए, तो बच्चा बाइक के नीचे आ गया था, तो मैंने कहा कि ज्यादा चोट ना लग जाए, तो शुक्र है कि बच्चा उठ गया है अपने पैरों पर, तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी को मेजर
चलो किसी को नहीं आया, लेकिन जैसे गिरे थे तो अभी तक भी बुलाया नहीं जा रहा। तो अभी बच चुके हैं जी तकरीबन 12:30 हो गए, तो मैं ब्लॉग जो है अभी एडिट कर रहा हूँ। तो आज समुद्री में जो है ही कुछ नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने समुद्री तो नहीं 469 का भी आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी, कोशिश थी आपको अच्छे तरीके से दिखाने की। आपको मैं चाह रहा था कि घर बैठे भी आप भी सैर कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकॉन है वो दबा के रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो मैंने अपना स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको ये चेंज भी पसंद आई होगी। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।